बदलते भारत की शान। राष्ट्र की कल्पना पर आधारित हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दोस्तों, हम सब यही चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें भी आती हैं, है ना? यदि बात करें बुजुर्गों की, तो आए दिन बुजुर्गों की दयनीय हालत की चर्चा की जाती है। उन्हें समाज में दया के भाव से देखा जाता है। आखिर क्यों? बुढ़ापा हम सभी को एक दिन आना ही है। ये सच है कि बुढ़ापा उम्र का एक पड़ाव ऐसा होता है जब बोलने में परेशानी होती है, चलने फिरने में दिक्कतें आती हैं, साथ कई और समस्या भी होने लगती हैं, और व्यक्ति को बुढ़ापे का तमगा लग जाता है, उसे असहाय और कमजोर बना दिया जाता है। लेकिन आज हम इस सोच को थोड़ा तोड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि क्या सफेद बाल हो जाना बुढ़ापा है, पाचन शक्ति का कमजोर पड़ जाना बुढ़ापा है, या फिर ढलती उम्र की बात करें तो इसके साथ और कौन कौन सी समस्या आती है, और इसमें कैसे आप संभल सकते हैं, कैसे इसे संभाला जा सकता है। यानी हेल्दी एजिंग से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे जिसको जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही ये भी समझना चाहिए कि बढ़ती उम्र में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और साथ ही मकसद हमारा ये भी है कि हम आपको भ्रमित ना करें बल्कि कोरोना से उपजी इस समस्या से आपको बचाएं। हमारा आज का विषय जान लें आप। हमारा आज का विषय है ताकि मुस्कान से लबरेज रहे जीवन, वृद्धावस्था की समस्याएं और बचाव। तो बिल्कुल, अगर आपके परिवार में भी कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्ध है और किसी तरह की समस्या से वो ग्रस्त है, उनके व्यवहार में किसी तरह का फर्क आप महसूस कर रहे हैं, तो बेझिझक आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं कि उनका समाधान क्या हो सकता है। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर हैं, 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आरएमएल अस्पताल मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एके वाष्णेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप समझने की कोशिश करेंगे कि बढ़ती उम्र में कैसे हम स्वस्थ रहें, हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका कार्यक्रम में। और स्वागत हमारे दूसरे मेहमान का भी, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में डॉक्टर कामिनी धीमान, आप प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं और जेनेरिक मेडिसिन यानी वृद्धजनों में जो होने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में आप हमें बताएंगी कि कैसे इसका उपचार किया जाए, इसके विशेषज्ञ हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं में कौन कौन से विकार हो सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ और उनसे कैसे बचा जा सकता है। एक बार फिर से आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करें, उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं और जानते हैं कि बढ़ती उम्र में क्या होता है, कैसे आप हेल्दी एजिंग की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन की रेलमपेल में उम्र का धागा कब और कैसे खुलता जाता है पता ही नहीं चलता। एक नवजात शिशु कब अपनी शैशव अवस्था छोड़कर युवावस्था में पहुंचता है पता ही नहीं चलता, और पता ही नहीं चलता कब हमारा ही चेहरा हमसे ही चुगली करने लगता है और आईना भी कुछ कुछ बताने लगता है। जी हाँ, उम्र का बढ़ना तो शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 और 50 की उम्र में ही सोचने लगते हैं कि उन्हें जो जीना था जी लिया, अब बच्ची खुची जिंदगी किसी तरह कटी जाएगी। बता दे कि यह अधूरा सच है। पूरा सच जानना चाहते हैं तो जरा दम भर रोकिए और झांक कर देखिए अपनी जीवन शैली को। कहीं आपके जोड़ों में दर्द, मोतियाबिंद, मधुमेह, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां आपकी गलत जीवन शैली का हिस्सा तो नहीं है? गौरतलब है कि उम्र के हर पड़ाव पर
जिंदगी करवटें बदलती रहती है, हमारे रूप रंग में भी बदलाव आता रहता है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है बुढ़ापे का दौर। लेकिन आप चाहें तो बढ़ती उम्र को एक खूबसूरत एहसास बना सकते हैं। बता दें कि 50 के बाद हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलने लगते हैं, शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधि के धीमी पड़ते ही पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इस अवस्था में हृदय की दीवारें मोटी होने लगती है, हार्ट रेट कम हो जाता है और फिर जरा सी बात पर दुखी हो जाना, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या के बढ़ जाने पर डिमेंशिया जैसी समस्या भी हो सकती है। और फिर उम्र का वो पड़ाव भी आ ही जाता है जब कपकपाती आंखें ढूंढ नहीं पाती समय के इशारों को, मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को, अखबार बिना खोले पड़ा रहता है, टीवी चलती रहती है और वो सो जाते हैं। बस यही तो है वृद्धावस्था। हालांकि ये शारीरिक परिवर्तनों की वजह से होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन संभाला जरूर जा सकता है। और संभालने का बेहतर तरीका है वास्तविक आयु से कम दिखने के लिए खान पान पर ध्यान देना, बढ़ती उम्र में प्रोटीन युक्त भोजन लेना जो हमें दाल टोंड दूध अंडे से प्राप्त हो सकता है, स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी काम के साथ निरंतर जुटे रहना, नियमित योग और व्यायाम को कभी नहीं भूलना। जी हाँ, एक बात और, यदि आपके चेहरे पर तनाव और उम्र के निशान दिखने लगे तो कृपया शर्माइए नहीं, जिंदा दिली और मस्ती के साथ जिंदगी के उजले पहलू को देखिए, पॉजिटिव सोच रखिए यानी सकारात्मक विचार रखिए। एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी उम्र के बढ़ने को सकारात्मक रूप में लेते हैं उनकी आयु 7.5 साल बढ़ जाती है। जी हाँ, लेकिन जो कहते हैं कि उनको सताता है बुढ़ापा, उनके जीने के अंदाज बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं और जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, मैं समझता हूँ कि उसी शख्स के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, उसी के चेहरे पर सुहाता है बुढ़ापा। जागरूकता से भरी हुई हमारी रिपोर्ट आपने देखी और जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से हेल्दी एजिंग को अपनाया जा सकता है। लेकिन हेल्दी एजिंग आप तभी अपना सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आप कैसे अच्छे स्वास्थ्य के साथ बढ़ती उम्र में भी अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आज का हमारा कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी और इसीलिए आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं डॉक्टर कामिनी आपसे समझना चाहूंगी कि हम बिल्कुल आज के दौर में ऐसे दौर में है जब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य संबंधी या फिर पैदा होने के बाद ही महिलाओं के जीवन में कई तरह के चरण आते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं और वहां पर अगर चूक हो जाती है तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। किस तरीके से देखा जाए और कैसे इसे भी एक सकारात्मक तरीके से अपनाया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है जीवन में? महिलाओं की बात करें तो जन्म से ही लेके हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनमें जब युवावस्था आती है तो वो फेज मेनार्क का फेज होता है। जैसे पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना एक स्पेसिफिक फेज होता है उसकी लाइफ में, उसके बाद कंसेप्शन होना, प्रेगनेंसी होना, डिलीवरी होना और बाद में डिलीवरी के बाद की अवस्था, तो ये सारी अवस्थाएं जुड़ी हुई है उसके बाद में लेटर एज में होने वाली प्रॉब्लम्स के साथ। यंग एज की अगर हम बात करते तो 25-30 एज तक अगर उसने दूध का सेवन नहीं किया, कैल्शियम का सेवन नहीं किया है, तो बाद में मेनोपॉज के बाद या बुढ़ापा, जिसको हम बुढ़ापा तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 50-60 इयर्स उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसने प्रॉपर अपना खान पान का ध्यान नहीं दिया तो उसके शरीर से कैल्शियम तो बच्चे ने ले लिया लेकिन उसके शरीर में कमी हो गई है, तो वो कमी जो है बाद में उसको लेटर ऑन बाद में प्रॉब्लम कर सकती है। वैसे ही सुतिका काल यानी कि जब डिलीवरी के बाद बच्चे को वो दूध पिला रही है उस समय भी उसको खान पान में ध्यान देना है, दूध लेना है, कैल्शियम उसके डाइट में होना चाहिए, तब भी उसने ध्यान नहीं दिया तो वो भी बाद में जाकर 10-15-20 साल बाद उसकी सेहत पे असर डाल सकता है। तो ये सारी अलग अलग अवस्थाएं हैं और अलग अलग अवस्थाओं में आयुर्वेद में जो है स्पेसिफिक डाइट लाइफस्टाइल बताया है, जैसे ड्यूरिंग पीरियड्स स्पेसिफिक डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बताया है, जैसे कि जौ का सेवन,
ब्लीडिंग फेज में करना जो है वो उसके लिए ज्यादा सेहतमंद रहता है। वैसे प्रेगनेंसी में मंथ वाइज हर एक मंथ में माता को और शिशु को क्या क्या आहार विहार, शिशु के लिए जो आहार जो होगा लाभदायक वो माता को लेना है, और ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी भी स्पेसिफिक डाइट जो लाइफस्टाइल बताया उसको अगर फॉलो करती है तो लेटर ऑन जो लाइफ है उसमें उसको प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो उसको अपना ध्यान रखना खुद से ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे कि बोलते हैं ना कि आपका स्वास्थ्य जो आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको अपनी सेहत की खुद ही अगर ध्यान रखेंगे तो आप डिपेंडेंट नहीं होगी दूसरों के ऊपर। और अच्छा खान पान तो हर किसी को रखना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लेकिन महिलाओं के जीवन में कई तरह की चुनौतियां होती हैं, और जैसा कि इस दुनिया में एक नया जीवन लाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है, तो उन्हें आगे के लिए भी अपने आप को तैयार करना होता है। इसीलिए महिलाओं को, जो लड़कियां आपके घर में हैं, उनको शुरुआत से ही अच्छा भोजन दे, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे बहुत जरूरी हो जाता है, और क्योंकि अगर माँ स्वस्थ होगी तो हमारा समाज स्वस्थ होगा। मैं डॉक्टर वासनी आपसे समझना चाहूंगी, चलिए तो बात हुई महिलाओं के जीवन में किस तरीके की चुनौतियां होती है, बढ़ती उम्र के साथ उन्हें भी इसे बहुत सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, लेकिन जैसा कि आज के कार्यक्रम का हमारा विषय यही है कि हेल्दी एजिंग किस तरीके से हो, और जो एक हम बुढ़ापा या फिर बढ़ती उम्र के साथ अपने आप को ओढ़ लेते हैं उसमें, तो ये किस तरीके की स्थिति रहती है और समाज में किस तरह का नजरिया होना चाहिए बुजुर्गों को लेकर, या बढ़ती उम्र के साथ कैसे हमें इसे सही तरीके से देखना चाहिए। और जो मैंने रिपोर्ट में ही देखा कि हमने बताया कि तमगा सा मिल जाता है कि आप बूढ़े हो गए, आप दया के पात्र हो गए और आप कमजोर हो गए, ये एक गोज विदाउट सेइंग वाली स्थिति हो जाती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि जीवन में बुढ़ापा तो आ रही है जी, क्योंकि जीवन एक लिमिट ही होती है, और बच्चे से लेकर बूढ़ा सभी होते हैं, लेकिन स्वस्थ जीवन जीना बहुत जरूरी है। जितना भी जीवन आपको मिला है वो, और उस पर डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है, बहुत बड़ा जरूरी है, आप फिजिकली कितने एक्टिव रहते हैं, इन्वायरमेंट आपका, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि इन सब का बहुत असर पड़ता है जी। अगर आप देखिए धूल धुएं पॉल्यूशन में काम कर रहे हैं तो उससे शरीर पे आपके दुष्प्रभाव ज्यादा है। आपका अगर पोषण अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें कि आपको प्रोटीन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, तो इसमें जैसे हरी सब्जियां हैं, फल हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए प्रोटीन प्रोडक्ट हैं, ये बहुत जरूरी है। तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकली जब आप एक्टिव होते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपका जो हृदय लंग्स मस्तिष्क सब जगह जो खून का दौरा अच्छा होता है, तो वो आपको एक अच्छी जीवन व्यतीत करने के लिए आगे बढ़ाता है जी। और इसमें कम से कम बीमारियां, डॉक्टर वाशिंग, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब हम यंग होते हैं, युवा होते हैं, तो बहुत ऊर्जा होती है और हर चीज भाग कर करने की एक चेष्टा रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं इस चेष्टा में भी कमी आ जाती है और ऊर्जा की भी कमी महसूस होती है, ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं। ये बात ठीक है, लेकिन सबसे मैं कहता हूँ कि जैसे ह्यूमन जो बॉडी है वो भी एक मशीन, जब हम कोई भी नई मशीन लाते हैं अगर हमने उसको कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया वही उसको आगे तक ले जाएगी। तो ये बॉडी जो है खासतौर से आजकल जैसे हमने बच्चों से ही देखा कि या तो उनमें एक तरफ कुपोषण की होती है, जो गरीब बच्चे हैं उनको वो पूरा पोषण नहीं मिल पाता, दूसरी तरफ जो है दूसरा तरीके का कुपोषण है जहां बहुत ज्यादा डाइटिंग, और एक सर्वे में पाया गया लगभग 20% जो हमारे स्कूली बच्चे हैं वो वहीं से मोटापा शुरू हो जाता है जी। उनका वेट इतना ज्यादा होता है कि धीरे धीरे करके 30 साल की उम्र तक आते आते उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत आ जाती है, शुगर की शिकायत आ जाती है, और फिर वो अपना जीवन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये हमारे शरीर के सारे अंगों पर दुष्प्रभाव डालती है। दूसरे जो इस उम्र की आजकल युवा में हमने देखा कि एल्कोहल का सेवन बढ़ता चला जा रहा है, धूम्रपान का सेवन बढ़ता चला जा रहा है, प्लस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, क्योंकि ज्यादातर लोग बच्चे जो है वो हमेशा इंडोर एक्टिविटी करते हैं, और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम जी, कोरोना काल में तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है बहुत जगह पर, तो मुझे लगता है ऐसे में घर में रहते हुए भी किस तरीके से आप एक्टिव रहें और कोरोना से अपने आप को बचाते रहें ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं चाहूंगी आगे आप इसके बारे में बताएं कि जो आज के दौर में एक ये न्यू नॉर्मल की बात हो रही है कि आपका रहन सहन खान पान और जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल बदल गया है इस महामारी के बाद, तो ऐसे में इस चुनौती के साथ कैसे आप स्वस्थ लाइफ
लाइफस्टाइल अपना सकते हैं और बढ़ती उम्र में भी कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन एक हमारे साथ एक दर्शक हैं जिन्होंने ईमेल किया है और ये योगेश शर्मा है कन्नूर से। इनका कहना है कि 57 साल के हैं, रात को सोते समय इन्हें कई बार चेस्ट पेन होता है, यानी सीने में दर्द महसूस होता है। बीपी की एक दवा भी लेते हैं जिसका नाम इन्होंने लिखा है, लेकिन ये आयुर्वेद में इलाज चाहते हैं। क्या बीपी की इस दवा को ये छोड़ सकते हैं? क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है? आयुर्वेद में अगर वो दिखाना चाह रहे तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही दवाई ले। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरनेट पे पढ़ लिया, गूगल कर लिया, यूट्यूब कर लिया और जो बीपी की दवाई अवेलेबल है वो ले ली, ऐसा नहीं करें। और जो स्पेसिफिक डॉक्टर है, इसके विशेषज्ञ है, उन्हीं की सलाह से जो है वो इलाज कराएं तो उनके लिए ज्यादा बेटर जी, और हो सकता है इलाज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। देवराज जी जिन्होंने वाराणसी से हमें कॉल किया है। जी देवराज जी बताइए, क्या सवाल है आपका? देवराज जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी देवराज जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैडम हमारी वाइफ को हेलो जी, अपना प्रश्न बताइए, आप अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं। हेलो देवराज जी, वाइफ को चलने में हमारी वाइफ को बीपी और थायराइड है, लेकिन उसकी गोलियां चल रही है, वो तो नॉर्मल है, फिर भी उसको चलने में जब चलती है थोड़ा दूर तो वो हाँफने लगती है जी। आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? और उनका वो बोलती है पेट जो है अंदर को जाने लगता है। हेलो जी, हाँ उम्र कितनी है आपकी पत्नी की, आप थोड़ा बता सकते हैं? बैठ जाती है तब उनको कुछ आराम हो जाता है, फिर चलती है, फिर सांस फूलने जी। बिल्कुल योगेश जी, हमने आपका आपका सवाल समझ लिया है। आप ये बताएं कि आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन आप अगर टेलीविजन से हमें सुन रहे हैं और इनकी उम्र से 60 के करीब 57 साल इनकी उम्र है, तो मेरे ख्याल से इसी के आसपास मतलब देखिए जो भी बता रही, क्योंकि इन्होंने बताया ब्लड प्रेशर की शिकायत है और थायराइड की शिकायत जी जी, तो ऐसे में देखो इनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना होती तो कई बार ये कुशल विशेषज्ञ को दिखाएं और हार्ट का जरूर चेकअप कराएं, क्योंकि जब चलने से इनको तकलीफ हो रही है और बैठने पे आराम मिल जाता है, इसका मतलब जब एक्जर्शन पड़ता है तो हमारे हार्ट में हमारी पंपिंग कम हो जाती है या लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें गति कम आ जाती है, तो इनको एक कुशल चिकित्सक के पास अपने हार्ट और लंग का पूरा चेकअप कराना चाहिए जी, बिल्कुल, और उसकी हार्ट की जैसे एकोकार्डियोग्राफी वगैरह टेस्ट करके या और टेस्ट करके डॉक्टर उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इनकी सांस फूलने का कारण क्या है। कई बार महिलाओं में अनीमिया एक बहुत बहुत कॉमन होता है जिसमें खून की कमी होती है, उम्र के साथ हम देखते और हैं कि उसमें और भी जब खून की कमी होती है तो एक्जर्शन जब पड़ता है, जब वो जब व्यायाम मतलब ज्यादा चलती है या कोई भी व्यायाम ज्यादा करती है या कुछ भी मेहनत का काम करती है तो उनकी सांस फूल जाती है, तो ये सारे ही कारण जो है, चाहे वो खून की कमी हो, थायराइड अगर कंट्रोल नहीं हो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो या ब्लड प्रेशर के दुष्प्रभाव हमारे हार्ट पे आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेवल है, तो इन सभी चीजों की जांच होने पे ही इसका निदान हो सकता है जी। डॉक्टर कामिनी आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि कुछ दवाएं तो ये ले रही हैं पहले से, लेकिन जो सांस फूलने की समस्या है तो क्या इन्हें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने चाहिए? आयुर्वेद इसके लिए क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद क्या कहता है उसको बोलने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें एजिंग पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि एजिंग की प्रॉब्लम जो शुरू होती है, एजिंग कैसे शुरू होती है कि आपका पहले मेटाबॉलिक सिस्टम, मेटाबॉलिक एजिंग मतलब आपको जो भी खान पान ले रहे हो वो आपका शरीर पचा ही नहीं पा रहा, वो मेटाबॉलिक एजिंग बोलते हैं। उसके बाद शुरू होती है आपकी जो है वो हेपेटिक एजिंग, मतलब जो खान पान आपने लिया लेकिन उस खान पान से लीवर आपका जो है वो प्रॉपर चीजें नहीं बना पा रहा जो आपके शरीर के लिए जरूरी है जी। फिर आता है इम्यूनोलॉजिक एजिंग, मतलब आपकी इम्यूनिटी ही कम हो रही है, आप जो भी खाना ले रहे हैं, आपका जो भी लाइफ स्टाइल है उससे आपके शरीर को जो फायदा होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है, आपकी इम्यूनिटी जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। और बाद में आता है रीनल एजिंग,
तो इन पेशेंट्स में मुझे लग रहा है कि इनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी कम है, इनका मेटाबॉलिक एजिंग भी इसमें हो गई है और हिपेटिक भी हो गई है, तो खान पान इनका शायद हो सकता है जितना उनको चाहिए उतना वो ले नहीं पा रही है, या ले रही है तो उनका शरीर उसको पचा के उसका लीवर प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा है। तो उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, और चलने के बाद थक जाना तो सीधा सीधा संबंध आता है कि उनमें वीकनेस है उनका। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका हार्ट भी हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम, उनको हाइपरटेंशन है तो उस वजह से भी हो सकती है, लेकिन बैठने से उसको आराम मिलता है, तो वो सीधा सीधा बता रहा है कि आयुर्वेद के हिसाब से उसको रसायन की जरूरत है। तो रसायन जो आयुर्वेद में बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, अगर इनके हार्ट को अगर रसायन की जरूरत है तो हम हार्ट से रिलेटेड रसायन देते हैं, पर डायट्री सिस्टम से रिलेटेड तो उसके रिलेटेड रसायन जो है जिसको रिजुविनेशन बोलते हैं। रिजुविनेट मतलब जो सिस्टम बैठ गया है उसको फिर से उठाना, उसको रसायन बोलते हैं, रिजुविनेट करना, उसको प्राण देना। तो इस प्रकार के रसायन जो है उनको अगर विशेषज्ञ बताते हैं वो लेती हैं तो जरूर उनको बेनिफिट जो है उस पेशेंट को मिल सकता है। कुल मिलाकर जैसा कि डॉक्टर वैष्णव जी कहा है कि वैष्णव जी ने कहा है कि जांच एक बार कराना बहुत बेहतर रहेगा। आपने हमें कॉल किया तो हमने आपको ये जरूर बता दिया कि किस तरह के संकेत इस समस्या से हमें मिल रहे हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि किसी विशेषज्ञ के पास जाएं और पूरी तरीके से उनका टेस्ट करवाएं, जांच करवाएं। राजकुमार जी हैं एक हमारे साथ दर्शक जिन्होंने हरियाणा से कॉल किया है। राजकुमार जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मेरी मम्मी की एज 60 हुई है अभी जी, तो उनके ना पैरों में दर्द होता है। तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ आप बता पाए, एलोपैथिक ना होकर कुछ आयुर्वेद के जी। घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, या फिर कई बार हम देखते हैं कि पंजों में भी दर्द महसूस होता है, चलने में परेशानी आती है, डॉक्टर कामिनी क्या बताना। 61 ईयर्स की एज है, इसका मतलब मैंने पंजों के बारे में वैसे सुना नहीं है मम्मी से, बाकी पैरों में ही होता है, घुटनों में तो होता ही होता है। हाँ, 61 ईयर्स की एज हो गई है, मतलब कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याओं में आता है कि इनकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो गई है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो हड्डियां के बीच में छेद हो जाना, मतलब उसकी जो कैपेसिटी डेंसिटी जो है वो कम हो गई, धीरे धीरे कम हो जाती है तो चलने में दिक्कत होती है। और ये भी देखें कि उनकी हाइट कम तो नहीं हुई है, 6 सेंटीमीटर जितनी हाइट कम अगर हो जाती है तो सीधा सीधा हमें अंदेशा होता है कि इस पेशेंट में जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, यानी कि उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है। अगर हड्डियां कमजोर हो रही है तो उनको जैसे कि हम दवाई तो विशेषज्ञ से सलाह से ही लेते हैं, लेकिन उनके डाइट में आप थोड़ा सा चेंज करें और उनको एक्टिव रखें जी, तो चलते फिरते रहें, एक्टिव रखें जी। और दूसरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट जी, स्ट्रेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा। हाँ डॉक्टर कामिनी, जैसा कि आपने बताया कि डाइट अच्छी रखें यानी खान पान बेहतर रखें, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये भी एक चुनौती है, या फिर कहें कि अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रहता है कि खान पान कैसा रखें, क्योंकि अधिक खाते हैं तो शरीर पचा नहीं पाता, और अगर वो कम खाते हैं तो ऐसे उस तरह का पोषण नहीं मिल पाता, तो इसको किस तरीके से हम बैलेंस तरीके से अपनाएं। हाँ, वही मैंने जहाँ बात करी कि मेटाबॉलिक एजिंग जो हो जाती है, जो खान पान ले रही है वो उसको प्रॉपरली पचा नहीं पा रहा शरीर, तो पचाने के लिए जैसे हम लोग दीपन पाचन यानी कि भूख बढ़ाने वाली और पाचन करने वाली औषधि उनको बताते हैं, डाइट में उनको बोलते हैं कि पुदीना का सेवन करे, धनिया का सेवन करे, अजवाइन जीरा इनका डाल के जो है आहार का सेवन करे। और जो तकलीफ ये बता रहे ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं पेशेंट को कि आप डाइट में ऐसी चीजें लें जो ये सारी कमियां जो हो रही है उसको कम करें, जैसे कि ऑरेंज संतरा जैसे बोलते हैं कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, एक ऑरेंज में मैक्सिमम सब जानते हैं कि विटामिन सी तो होता है लेकिन उसमें कैल्शियम भी होता है, तो 2-3 ऑरेंज अगर वो दिन के भी ले लेती है तो भी उसको बहुत अच्छा जो कैल्शियम जो है वो मिलता है। और अगर नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ हम लोग चिलगोजे अवेलेबल रहते हैं, वो पेशेंट्स को लेने के लिए बताते हैं। पश्चिम का अगर है जैसे कि गुजरात वगैरह साइड की है तो वहाँ चिरौंजी जो है वो पेशेंट अगर लेती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस में जो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और जो सहजन की फलियां हैं, सहजन के फूल की सब्जी जो है वो उनके डाइट में आप उसको ऐड कर दो तो उनकी हड्डियां जो है वो मजबूत हो सकती हैं। और कैल्शियम तो जनरली आजकल सब लोग आफ्टर मेनोपॉज या एजिंग के बाद लेते ही हैं, लेकिन डाइट में थोड़ा बहुत इस प्रकार का जैसे अंजीर का सेवन, अगर शुगर नहीं है तो आप अंजीर का सेवन उसको कराएं तो वो भी हड्डियां
जो है उसको मजबूत करने में वो फायदा करता है। बिल्कुल, सिंघाड़ा अवेलेबल है आपके आसपास, सीजनल सिंघाड़ा जो मिलता है वो सिंघाड़ा का सेवन भी वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार के थोड़े बहुत चेंजेस करके जो है वो आप अपनी बोन्स में डेंसिटी ला सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी और लाभकारी जानकारी यहाँ पर। आजकल डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत कॉमन हो गया जो है, मतलब शहरों में तो है ही, गांव में भी है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने पर कैल्शियम भी हमारे शरीर नहीं इस्तेमाल कर पाता जो हमें मिलता है। इसके अलावा मांसपेशियों में भी दर्द वगैरह, तो आज कल एक विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवा लें, खासतौर से हर बुजुर्ग को कराना चाहिए कैल्शियम का लेवल, विटामिन डी का टेस्ट। और अगर अच्छे शहर में है तो बोन मिनरल डेंसिटी, जिससे अगर हमें देखें कि वाकई हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस है। जैसा कि आपने बताया विटामिन डी का टेस्ट करा लें, और आप बता भी रहे कि बहुत आम हो गया है, और अगर कम आता है तो उसके बाद सबसे बड़ा तो यही काज है कि आजकल धूप में जाना कम हो गया। पहले लोग आधा घंटे सुबह धूप में जरूर रहते थे, उससे हमारे शरीर में पर्याप्त विटामिन डी बन जाता था। अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी देखिए किसी भी वेजिटेरियन फूड में होते ही, केवल मशरूम के अलावा किसी भी वेजिटेरियन फूड में विटामिन डी नहीं। तो विटामिन डी के लिए सिर्फ एनिमल प्रोटीन होती है जिसमें फिश या फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, जो कि ज्यादातर लोग बहुत से सेवन नहीं करते। मिल्क में थोड़ा बहुत विटामिन डी होता है, इसलिए काफी जगह गवर्नमेंट ने जो है फोर्टिफाइड रखे हैं, आटा को विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया, मिल्क को फोर्टिफाइड किया विटामिन डी से। तो ये तरीका तो ये होता है, अदरवाइज अगर विटामिन डी की कमी है तो फिर हमें उनके सप्लीमेंट लेने। बिल्कुल, जैसे कि आपने सप्लीमेंट की बात यहाँ पर कही है, लेकिन कई बार होता यह है कि आपने सप्लीमेंट तो लिया, डॉक्टर ने बताया, उसे कुछ समय आपने फॉलो किया, लेकिन उसके बाद जब आप छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद फिर वही विटामिन डी की कमी हो जाती है। देखिए नेचुरली कोई भी चीज है फिर रेगुलर चेकअप तो जरूरी है, क्योंकि तो दोनों चीजें हैं। विटामिन डी अगर अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो उसके भी दुष्प्रभाव, लिवर पर उसका प्रभाव, हाँ, उसपे भी जो है आपको हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, उसमें बेहोशी हो सकती है, आपको दौरे पड़ सकते हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो विटामिन डी ऐसा विटामिन नहीं है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसकी कमी भी आपको नुकसान करती है, इसकी अधिक मात्रा भी आपको नुकसान करती है। जी, एक कॉलर हैं, बात कर लेते हैं उनसे, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पे केवरन जी हैं, आइए बात करते हैं। केवरन जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। मैं खून की कमी है सर, मेरी मैडम को। एक बार फिर से बताइए क्या सवाल है आपका। खून की कमी, नमस्ते मैडम, खून की कमी, मैडम को खून की कमी है। अच्छा, मुझे भी ऐसा है कि मुझे पसीना भारी भारी रहता है। जी आप अपनी भी उम्र बताइए कितनी है, और जैसे कि आप बता रहे हैं जिन्हें खून की कमी है उनकी उम्र कितनी है। मैडम 36 साल है मेरी। अच्छा ठीक है, देखिए अनीमिया तो बहुत ही कॉमन चीज है हमारे देश में जी, और खासतौर से महिलाओं में तो बहुत ही ज्यादा अनीमिया की प्रॉब्लम पाई जाती है शुरू से ही, जब से उनके बल्कि यंग बच्चों से ही, डेवलपमेंट बच्चों से, फिर जब से मेंस्ट्रुअल से पीरियड लड़कियों में शुरू होते हैं अनीमिया सबसे ज्यादा कॉमन होता है। मेल्स में भी अनीमिया पाया जाता है, क्योंकि वो खान पीन जो है हमारा पूरी तरीके से सही नहीं होता। तो ये इसका पूरा चेकअप कराए, और ये ट्रीटेबल बीमारी है जी। इसको अनीमिया के लिए अगर आयरन की कमी है, B12 की कमी है, या फोलिक एसिड की कमी है, तो उसको दे के हम उसका अनीमिया दूर कर सकते हैं, वो स्वस्थ हो सकते हैं जी। डॉक्टर कामिनी, आप कैसे बताना चाहेंगे कि जो आयरन की कमी हो जाती है तो वो हम खान पान से भी कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं, किन किन चीजों का सेवन करें और किस तरीके से सेवन करें, क्या बताना चाहेंगे कि उम्र के साथ जैसे आपके बताया चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो घट जाता है, तो उसे बनाए रखने के लिए किस तरीके की चीजों का सेवन करना चाहिए। उसमें लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि किसी भी चीज की कमी क्यों होती है, दो कारण होते हैं कमी होने का, या तो आपका शरीर उसको बना ही नहीं रहा, या दूसरा कारण यह सोचता है कि बन तो रहा है जितना आपको चाहिए लेकिन वो खर्च ज्यादा हो रहा है। खर्च ज्यादा होना मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ब्लीडिंग बॉडी में कहीं हो रही है। अगर फीमेल का लेते हैं तो ड्यूरिंग पीरियड्स उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, या ड्यूरिंग डिलीवरी उसको ब्लीडिंग हो गई थी ज्यादा, या तो मेल की अगर लेते हैं या फीमेल में भी कई बार पाइल्स फिशुला जैसी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी ब्लीडिंग हो जाती है तो भी शरीर से खून कम हो जाता है, या हुकवर्म होते हैं एक वो भी आपके शरीर का खून चूस लेते हैं, बोलते हैं ना तो खून चूसने वाले कीड़े, तो ऐसा भी अगर होता है तो भी खून की कमी हो सकती है। तो अगर इन्होंने बताया कि 36 इयर्स की एज बताई है तो ऑब्वियसली उनकी वाइफ की एज 28, 30 या 35 के आसपास हो सकती है, तो हो सकता है उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और इस एज में कई बार एबॉर्शन अगर पेशेंट का हो गया है तो आफ्टर एबॉर्शन उनको इरेगुलर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुआ यूट्रस का, और इरेगुलर ब्लीडिंग चलती रही है और उस वजह से उसको ब्लीडिंग कम, सॉरी
ब्लड कम हो गया उसके शरीर में, या तो शरीर में कहीं पर यूट्रस में गांठ है, यूटेराइन फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, उसकी वजह से पीरियड्स के बीच में भी कहीं कहीं ब्लीडिंग होती रहती है, तो उस वजह से भी ब्लड कम हो सकता है। तो एक तो ये हो गया कि ब्लड कैसे कम हुआ, दूसरा कि शरीर आपका बना नहीं रहा, आपका लीवर कहीं काम नहीं कर रहा है, तो ये जांच से हमें पता चलता है। जैसे भी कोई आता है तो हम देखते हैं कि क्या उसका लीवर फंक्शन प्रॉपर है, उसकी भूख प्रॉपर है, उसके शरीर में खून प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या तो कहीं वहां पर उसके बॉडी से लॉस हो रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जी, और जैसा कि हम तो बात कर रहे हैं कि बढ़ते उम्र के साथ, तो इनकी उम्र भी नहीं है इतनी ज्यादा, 35 साल कोई उम्र नहीं होती, और इस उम्र में इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आप अपनी लाइफ स्टाइल जीवन शैली को बदले, अपने खान पान पर ध्यान रखें, और जैसा कि डॉक्टर कामिनी ने बताया कि कुछ वजह हो सकते हैं जिसके चलते सकता है कि खून की कमी आपके शरीर में आ रही है। यहाँ आपको डराना बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है, लेकिन ये संकेत होते हैं जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए विशेषज्ञ के पास जाएं और जांच जरूर करवाएं। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी स्वस्थ किसान जारी रहेगा, आपकी कॉल्स का इंतजार है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम बुढ़ापा एक तमगा लगा देते हैं, दरअसल ये सिर्फ नंबर होते हैं जो बढ़ते हैं, और इन्हें किसे मुस्कुराते हुए कैसे आप अपना सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उम्र के हर पड़ाव में आप स्वस्थ रहें, और बुढ़ापा जिसे एक तरीके से अभिशाप मान लिया जाता है, तो ये सोच बदलना बहुत जरूरी है, सोच को तोड़ना बहुत जरूरी है। बूढ़े लोग किसी दया के पात्र नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें, और इस सोच को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। आकांक्षा है एक दर्शक जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से कॉल किया है, से बात करते हैं। स्वागत है आकांक्षा जी आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी, हेलो आकांक्षा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी हाँ, बताइए सवाल, बताइए। मैम आप सभी को नमस्ते। नमस्कार मैम, हम स्वास्थ्य से ये पूछना चाहते हैं कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है यानी बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो उनका इलाज कौन से विशेषज्ञ से करवाना चाहिए है? और मैम से ये पूछना चाहते हैं कि अपने हृदय को अच्छा रखने के लिए और अपने फेफड़ों को अच्छा रखने के लिए कौन कौन से सामान भोजन में शामिल करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रश्न है आकांक्षा जी, बहुत अच्छे प्रश्न है आपके आकांक्षा जी, और स्वस्थ जीवन का फॉर्मूला भी इसी में छिपा हुआ है कि आप खान पान अपना दुरुस्त रखें। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे, जैसे इन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, खासतौर से महिलाओं में, तो जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उनमें कैल्शियम की काफी कमी हो जाती है। अगर बिल्कुल टेस्ट है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक BMD टेस्ट होता है, बोन मिनरल टेस्ट, जिससे हम वाकई देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा की कैल्शियम की कमी है या ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल क्या है, और उसके हिसाब से फिर कैल्शियम विटामिन डी के अलावा कुछ और दवाइयां भी आती हैं जिनको हम दे सकते हैं, या पैराथायरॉयड हार्मोन आते हैं वो देते हैं, और उससे फिर हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, तो उसका इलाज संभव है। और अच्छा भोजन तो उनको करना ही चाहिए जिसमें कि कैल्शियम हो, प्रोटीन्स की चीजें हैं। दूसरे व्यायाम भी बहुत जरूरी है, कम से कम हम हर एक व्यक्ति को, जो भी कोई व्यक्ति है उसको हम कहते हैं कि आधा घंटे 30 मिनट पर डे मिनिमम 5 डेज ए वीक 150 मिनट्स पर वीक व्यायाम जरूर होना चाहिए, एक दिन से ज्यादा का उसमें गैप नहीं होना चाहिए, ये इससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो ये एक सामान्य बात है जो सब लोग कर सकते हैं जी। डॉक्टर कामिनी आप क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि उन्होंने भोजन के बारे में जानना चाहा है कि कौन कौन सी चीजों का वो सेवन करें। हाँ, एजिंग के बाद जैसे कि मैंने कहा कि पहले अपनी भूख का ध्यान रखें कि भूख बढ़ाने वाली चीजें जो है वो लेना है, और उसके बाद आपकी डाइट में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो आपकी हड्डियों को मजबूत करें, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कभी भी, और दूसरा है कि भूख लगे तभी खाना है। सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि एज हो गई है उसके बाद भी उसे लगता है कि भूख नहीं है फिर भी मन कर रहा है,
तो अध्यक्षण जिसको बोलते हैं, एक बार खाया उसके ऊपर फिर से खाना वो लाभदायक नहीं होता है। तो जब बहुत अच्छी भूख लगती है तभी खाना है, और जो लाभदायक है वही खाना है। और एक और इसमें बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि स्ट्रेस फैक्टर जो है उसकी वजह से भी आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, हड्डियां कमजोर होना वो भी होता है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से भी आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो सकती हैं। और खाने में जो है आपको, जैसे मैंने बताया कि धनिया पुदीना जो है इनका सेवन ज्यादा करना है आपको, और दूध से बनी हुई चीजें जो है उनका सेवन भी हमेशा आप करते रहिए। सुबह शाम दूध जरूर लेना है। और जो हम लोग जो आयुर्वेद में बताते हैं अश्वगंधा, शतावरी, त्रिफला, ये जो भी है ये भी हम पेशेंट्स को लेने के लिए बोलते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। नहीं तो एक आंवला का सेवन जो है वो रोज आप करें, एक आंवला रोज लेना है किसी भी रूप में अगर आप ले सकते हैं तो वो लें। जी बिल्कुल, डॉक्टर कामिनी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई कि हम व्यायाम कर लेते हैं, अपना भोजन अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक और जो कुंजी है उस पर विचार नहीं करते हैं, वो है आपके थॉट्स। आप कितना सोचते हैं, किस तरह की सोच है आपकी। बहुत ज्यादा अगर आप चिंता करते हैं तो देखिए इसका भी आपके स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ सकता है, इसके बारे में भी कामिनी जी ने बताया। एक और दर्शक है औरंगाबाद से, उन्होंने कॉल किया है, मोहम्मद सोलान जी है फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम जी, मोहम्मद सालार जी है जी, बताएं सवाल क्या है आपका। नमस्कार, मेरा सवाल ये मैडम कि मेरे को अभी 15 दिन पहले से चक्कर बहुत आने लगे, और मैं जब बीपी चेक करने गया हूँ तो मेरा बहुत बढ़ के बीपी आया है, 190 के ऊपर आता है, कभी 205 हो जाता है। दवाई लेता हूँ लेकिन 15 या 20 मिनट फर्क पड़ता बाद में और वैसे शुरू हो जाता है। जी आपकी उम्र कितनी है। 55 साल है। देखिए इस उम्र में ब्लड प्रेशर काफी कॉमन है, और लगभग एक सर्वे के हिसाब से अर्बन में तो लगभग 25% लोग हमारे एडल्ट जो है ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। इवन जो रूरल इंडिया में भी 10% लोग ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। तो एक तो इनको ये है कि अपने खान पीन को बदलना होगा, नमक का बहुत कम सेवन करना होगा, नमक जो है एक छोटी चम्मच से भी कम होना चाहिए पूरे दिन में। इसके अलावा जो है पानी खूब पीना चाहिए, व्यायाम जैसे मैंने बताया जा रहा है। इससे भी ज्यादा ये होता है कि एक बार तो इनको पूरे अपना टेस्ट कराना चाहिए कि कोई कारण तो नहीं है। ज्यादातर देखिए इस उम्र का जो ब्लड प्रेशर है उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो एज रिलेटेड ही होता है। फिर भी कुछ लोगों में कई कारण भी होते हैं, जो कि किडनी के कारण भी हो सकते हैं, कुछ और ट्यूमर वगैरह वो भी कारण हो सकते हैं, उनका इलाज हो सकता है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो दवाइयां एक बार डॉक्टर ने बताई वो नियमित लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम लोगों ने कई बार देखा है कि जब हम दवाई देते हैं ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, उसके बाद पेशेंट कहता है कि अब मेरे को कोई परेशानी नहीं, अब मेरे को चक्कर नहीं आ रहे, अब मेरे को सिर दर्द नहीं हो रहा, मेरा ब्लड प्रेशर अब ठीक होगा, लेकिन होता नहीं है, वो दवा छोड़ देता है। बिल्कुल डॉक्टर, ये मैं आपसे जानना भी चाहूंगी कि अक्सर यही होता है कि जब हमें डॉक्टर कोई दवा बताते हैं या फिर किसी तरह के इलाज के बारे में बताते हैं तो पेशेंट का पहला सवाल ये होता है कि क्या मुझे ये परमानेंट खानी पड़ेगी, हमेशा खानी पड़ेगी, क्या ये छूट जाएगी। तो ये जाहिर सी बात है कि कोई भी दवा नहीं खाना चाहता है, लेकिन इलाज के लिए जरूरी भी होता है, तो इसके बारे में ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए जो ब्लड प्रेशर हमारे पास ये है कि हम ब्लड प्रेशर ज्यादा रहे, और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। जी इससे आपके हार्ट पे, किडनी पे, आईज पे, ब्रेन पे, हर सिस्टम पे असर पड़ता है, और उनमें परमानेंट डैमेज हो सकता है। आपको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी आपकी खराब हो सकती है, फिर उसका इलाज करने से भी फायदा नहीं होता। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को बहुत हल्के से ना लें। ब्लड प्रेशर अगर हमारा कंट्रोल हो जाता दवाइयों से तो लगभग हम उतना ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं जितना ब्लड प्रेशर बिना जिसका ब्लड प्रेशर लेकिन दवा खाना जरूरी है। इसलिए दवा खाना बहुत जरूरी है, और कोई भी दवा चाहे वो शुरू करें, कम करें, ज्यादा करें या रोकें, वो डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। आप खुद डॉक्टर नहीं है, इसलिए खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 55 इयर्स, तो कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। जैसे कि 55 इयर्स है और उनका बीपी ज्यादा हो रहा है, तो उनको अपनी नींद का भी ध्यान रखना है कि आजकल जो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसमें बहुत लेट तक सोना है और स्ट्रेस लेवल है, जो भी है नींद बहुत कम आती है, तो ये भी अपना पहले इंटरोगेट कर ले कि मुझे नींद सही से आती है कि नहीं आती है। अपनी नींद का ख्याल रखे, स्ट्रेस से दूर रहें, और प्राणायाम जरूर करें। डीप ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है उसमें, तो सुबह शाम जो है 10 बार लंबी गहरी सांस शांत मन से ले सुबह और शाम, और प्राणायाम का भी से जो है अपनी जो भी दवाई चल रही डॉक्टर ने जो भी चलाई है उसके साथ
प्राणायाम के ऊपर भी ध्यान दें तो उनके हार्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा बेनिफिट जो है प्राणायाम से भी मिल जाता है। और नमक का कम सेवन तो बताया, लेकिन उसके साथ साथ जो तला भुना आहार जो है वो भी उनको नहीं लेना है, कि तली हुई चीजें, बाहर की चीजें, फास्ट फूड जो है उनसे भी वो बचें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैशन हो गया है और हमारे लाइफस्टाइल में आ गया है कि हम बाहर का खाना बहुत खाने लगे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाने लगे हैं। जिस तरीके की स्थिति चल रही है, आप कोशिश करें कि घर का बना खाना ही खाएं, बाहर ना खाएं, बाहर ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, क्योंकि कोरोना का अभी खतरा टला नहीं है, इसीलिए इस बात का भी ध्यान हमें रखना ही होगा। तो इस आदत को आप छोड़ ही दें तो बेहतर रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए भी और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भी। और धूम्रपान और अल्कोहल अगर है तो वो बिल्कुल ना करें। जी डॉक्टर कामिनी, जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि जो आपकी प्राकृतिक संरचना है उसका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा ही, तो ये क्या है और किस तरह का प्रभाव होता है? वात पित्त कफ की हम बात करते हैं, किस तरह से हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर इसका असर होता है और क्या संबंध है इसका आपस में? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि जो हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में या साइंसेस में जो बताया है वो हर एक इंसान की अपनी प्रकृति होती है, जिसको जेनेटिक फैक्टर भी बोलते हैं, लेकिन वो वात दोष होता है, पित्त होता है, कफ होता है, और ये हमारा इनहेरिटेड नेचर रहता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, जो जन्म के समय बन गई है वात पित्त है आपकी, पित्त कफ है, जो भी है, कौन सा डोमिनेंस है, और उस डोमिनेंस के हिसाब से आपके बॉडी में वो डिजीज या डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे कि एजिंग प्रोसेस है कि मेनोपोज के बाद एज हो गई है फीमेल की, एजिंग के बाद क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो फीमेल्स में ये होता है कि चिड़चिड़ापन होना, हॉट फ्लश होना, कभी पसीना आता है, कभी ठंड लगती है, इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना, तो ये वाले सिम्टम्स जो हम देखते हैं कि जिन फीमेल्स की पित्त डोमिनेंस प्रकृति है, यानी पित्त दोष जो है उसकी वजह से हॉट टेम्पर रहता है उसका, तो उस वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। जिनके अंदर वात डोमिनेंस रहता है उनको जैसे नींद नहीं आना, इंसोम्निया होना, जो है हड्डियों में जो दिक्कत अभी बताई थोड़ी देर पहले, वो भी जो वात प्रकृति डोमिनेंस है उन लोगों में या उन फीमेल्स में ज्यादा हो सकती है। और जिनका एकदम से वजन बढ़ जा रहा, थोड़ा सा खाने, कुछ लोग होते हैं कि ज्यादा खाते फिर भी वजन नहीं बढ़ता है, और कुछ में ऐसा रहता है कि थोड़ा सा खाया और वजन बढ़ गया, और कहते हैं कि हम हवा भी हमें लग जाती है। तो ये जो रहता है कि वो किनकी टेंडेंसी रहती है, जिनकी कफ प्रकृति या कफ डोमिनेंस प्रकृति जो होती है उनमें होता है कि थोड़ा सा खाने पर भी वजन बढ़ जाना, टेंडेंसी टू गेन वेट जिसको बोलते हैं हम, वो कफ प्रकृति वाले। इस बात को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर है, पहले हम उनका कॉल ले लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बिहार से है कृष्णा देवी जी। जी कृष्णा जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए सवाल क्या है। हेलो जी कृष्णा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ बोल रहे हैं। खाना पीना जो है ना तो नहीं पचता है सही ढंग से। अच्छा, पाचन की समस्या है। उम्र कितनी है आपकी? 40 वर्ष। 40 जी। जी अभी तो उम्र आपकी बहुत अधिक नहीं है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए ये तो बहुत ही कम उम्र है, 40 तो बिल्कुल यंग एज है, तो इसमें खाना पचने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं पचना चाहिए, इनको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए जी। अगर ये व्यायाम करेंगे तो जरूर इनको भूख अच्छी लगेगी, खाना है, लेकिन अगर कोई फिर भी परेशानी है किसी तरीके की तो फिर अपने स्वास्थ्य चेकअप कराएं, क्योंकि तो कई बार जैसे डॉक्टर ने पहले भी बताया कभी पेट में कीड़े वगैरह हैं तब भी परेशानी हो सकती है, या फिर किसी तरीके की किसी फूड से कोई एलर्जी है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। कुछ लोगों को मिल्क लैक्टोज जो होता है में उससे इंटॉलरेंस होती है, तो उन लोगों को दूध लेने से उससे समस्या आ जाती है। तो अगर स्पेसिफिक कोई बीमारी है, कई लोगों को ग्लूटिन होता है, जो गेहूं होती है उसकी ग्लूटिन से ही परेशानी हो जाती है, उससे भी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसका इलाज किया जा सकता है। अदरवाइज ये होता है कि अगर आप व्यायाम नियमित करेंगे तो आपको भूख अच्छी लगेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा पानी का भी ध्यान रखना होता है इनको, कि जब भी भूख लगनी है, जब भूख लगती है तभी खाना खाना है, और पानी का सेवन जो है वो थोड़ा सा ठीक रखें। कई बार ये होता है कि खाना खा लिया है, कई लेडीज में आदत होती है कि पानी ही नहीं पीती है, और दूसरा खाना तो खुद आप ही बनाती हैं, तो खाना बनाते हैं तो जरूर हींग डाल के, जो भी खाना बनाते हैं उसमें हींग जरूर डालें, तो उससे भी खाने का जो है पचन जल्दी होता है। हींग आप सब जानते हैं कि हींग डालने से खाना पचता है, अदरक भी आप अपने खाने में डाल सकती हैं खाना जब बनाती हैं, तो उससे भी खाना पचने में दिक्कत नहीं होती है, और पानी का सेवन ठीक से रखें और भूख लगे तभी खाएं। जी बिल्कुल, और पाचन संबंधी कई बार सवाल आते हैं हम तक, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा पाचन तंत्र उनका कैसे हो, और जैसा कि हम जानते हैं कि बस होली भी आने वाली है,
वक्त लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या हेल्दी क्या अनहेल्दी है, बस मिठाइयां उड़ाने में लग जाते हैं और ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर उनके पाचन तंत्र पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इसीलिए इस विषय पर अगला हमारा अंक जो होगा उसे हम शामिल करेंगे और अपने जो दर्शक हैं जिनका ये सवाल था उसे और विस्तार से समझेंगे। और होली पर आप बिल्कुल रंग खेलें लेकिन रंग में भंग ना हो, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने खान पान पर भी ध्यान रखें ताकि आपका पाचन तंत्र दुरुस्त बना रहे। डॉक्टर कामिनी, जिस तरीके से आप बता रही थी कि वात कफ और पित्त दोष, कुछ बातें आप और बताना चाह रही थी, मैं चाहूंगी उसे आप कंटिन्यू करें। हाँ, हम बात कर रहे थे कि एजिंग जो होती है, तो एजिंग जब होती है तब भी और वैसे भी थ्रू आउट दी लाइफ जिनमें वात प्रीडोमिनेंस होता है उनमें वात से रिलेटेड डिसऑर्डर जो या डिजीज जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। पित्त प्रकृति वाले अगर तीखा तला हुआ खाते हैं तो तुरंत उनमें बीमारी हो जाती है। कफ प्रकृति वाले थोड़ा सा भी लेते हैं तो नहीं होती अगर उनको तीखा सेवन करते हैं। तो अपनी प्रकृति को पहले पहचानना जरूरी है और आपका शरीर कैसा है, आपकी स्किन कैसी है वो भी आपको आइडिया देती है कि आप कौन सी प्रकृति है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप बोलते हैं इसको कि वात प्रकृति की, आपका शरीर दुबला पतला है, आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं, तो ये वात प्रकृति वाले लोगों का लक्षण रहता है। और जिनको बहुत छोटी सी बात में भी गुस्सा आ जाता है, इरिटेबल रहते हैं कि तीखा नहीं पचता है, स्किन पे बहुत जल्दी पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं और ड्राई रहते हैं, तो वो पित्त प्रकृति वाले लोगों को बोलते हैं। जिनका जल्दी वजन बढ़ जाता है वो कफ प्रकृति वाले लोग। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। राम गुलाम जी हमारे साथ फोन लाइन पर, बिहार से इन्होंने कॉल किया है। जी बताइए राम जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, हमको उम्र है 61 बरस और बीपी हमको 10 बरस से है और कमर में दर्द होता है और बायां साइड से पैर के नीचे हो जाता है। उम्र कितनी आपकी? ज्यादा होता है तो फिर कमर में हो जाता है और बाहिने एड़ी में भी हमको दर्द होता है और ये दर्द है करीब हमको 10 बरस से कम से ऐसे होते रहता है। 61 साल इनकी उम्र है, रख सकते हैं? देखिए, बता रहे हैं कि इनको ब्लड प्रेशर है और कमर में दर्द है और ये दर्द पैरों में भी जाता है। तो एक तो ब्लड प्रेशर की दवा तो लेनी है, जब भी ब्लड प्रेशर की तो हमने बात करी। दूसरी, चूंकि कमर लगातार दर्द है तो एक बार जरूर जांच करा लें, क्योंकि कई बार हमारी जो डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर से जो वजन ज्यादा उठाते हैं या किसी भी वजह से, और डिस्क की वजह से जो है ये दर्द हो सकता है जो कि पैरों में भी जाता है। तो एक तो उसका निदान होना बहुत जरूरी है, दूसरे जो फिर हर चीज के लिए हम कहते हैं एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कमर के लिए भी बहुत सी एक्सरसाइज होती है, अगर वो एक्सरसाइज नियमित रूप से करेंगे तो इस कमर दर्द से भी इनको निदान मिलेगा। और स्वस्थ जैसे भोजन हम कहते हैं, अच्छा भोजन जरूर करें जिसमें प्रोटीन की चीजें हों और सब्जियां हों, मिनरल ऐसी कैल्शियम वगैरह की सब चीजें। बिल्कुल, दिल की बीमारी की बात आपने यहाँ पर डॉक्टर वाशने जी कही है और हम जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ऐसे डेटा समय समय पर आते रहते हैं जो बताते हैं कि बहुत बड़ा तबका है जो कि इसकी चपेट में आ चुका है। और जो आंकड़े मेरे पास है वो भी बता रहे हैं कि लगभग 45% मौतों के लिए जिम्मेदार रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत चिंता विषय है, खासतौर से जो आजकल लाइफ स्टाइल हो गई और ये हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, लिपिड्स एबनॉर्मलिटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों का खाने का स्टाइल बदल गया है और वो बहुत ज्यादा जो है इस तरीके की फैट वाली चीजें खा रहे हैं या जैसे पिज्जा, बर्गर और अपने इंडियन में भी जो है जलेबी, छोले भटूरे, समोसे, हर चीज खा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा का तेल का इस्तेमाल होता है। और दूसरे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एल्कोहल का सेवन बढ़ता चला जा रहा है, स्मोकिंग का सेवन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब चीजों को हमें ठीक करना होगा, तभी हम इन चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। और नेचुरली जो स्ट्रेस फैक्टर बहुत होता है तो उसमें बिसाइड फिजिकल एक्टिविटी प्राणायाम और योगा का भी रोल है। अगर हम ये सब चीजें करेंगे, अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल जियेंगे तो हम अच्छी जीवन जी सकते हैं। और हमें ये मान के चलना चाहिए कि देखिए जीवन को कैसे जीना। अगर एक 60 व्यक्ति कहेगा मैं बुढ़ा हो गया तो वो एक तरीका है, दूसरा वो ये कह सकता है कि मैं 20 साल का हूँ लेकिन मेरे पास 40 वर्ष का अनुभव, बिल्कुल, तो और उस 40 वर्ष के अनुभव को अपने स्वास्थ्य के लिए जो है उपयोग करें, बिल्कुल, पानी का गिलास आधा खाली है, वो तरीके से जीवन जिए तो फिर वो अच्छा स्वस्थ जीवन जी। कॉलर है एक राजेश जिन्होंने रीवा से कॉल किया है। जी राजेश जी बताए सवाल क्या है? हेलो जी राजेश, सवाल बताइए। हाँ, मेरी मैडम, मेरी मम्मी है 60 साल की है, हाँ, उनको खाया पिया पचता नहीं है और गांव में रहती हैं तो परिश्रम भी बहुत करती हैं,
मेहनत भी करती है, उससे बाद भी उनका पचता नहीं और गैस बीच बीच में बढ़ती रहती है। जी जी, डॉक्टर कामिनी क्या बताना चाहेंगे आप? कह रही परिश्रम भी काफी करती है लेकिन खान पान भी बेहतर है, लेकिन पाचन से संबंधित समस्या है। लेकिन मैं यहाँ पे राजेश जी बताना चाहूंगी कि अगला जो हमारा एपिसोड है वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें इसी विषय को हम शामिल कर रहे हैं। कामिनी जी भी क्या बताना चाहेंगे? हाँ, पाचन से संबंधी अगर समस्या है तो पहले उनका खान पान ही देखो कि उनके खान पान में क्या दिक्कत है, वो किस तरीके से खान पान लेती है। अगर उनकी भूख कम है फिर भी वो भारी चीजें जैसे उड़द की दाल है, चने की दाल है, इनका सेवन रूटीन में करती है तो उसको अभी थोड़े दिन रोक दीजिए। उनको मूंग मूंग की दाल, खिचड़ी, घिया, इस तरीके की चीजें पहले खिलाई हैं और पुदीने की चटनी वगैरह उसको उसके साथ में देते हैं तो थोड़ा सा उनकी भूख बढ़ेगी, उसके बाद वो भारी चीजें अगर लेती हैं तो फिर उनके लिए ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से पहले पहचानिए कि उनका खाना कैसा है और क्या खाना खाने से उनको दिक्कत हो रही है, वो पहचानने के बाद ही आप उसको प्रॉपरली सलाह दे सकते हैं। तो थोड़ा ये आप देख के तो उनको सलाह दीजिए तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। बाकी हमने क्या लेना है वो थोड़ी देर पहले बता ही दिया है। देखिए कमली जी, आज की भी जो ज्यादातर कॉल्स थी, भले पुरुषों ने कॉल किया लेकिन समस्याएं महिलाओं की थी, माताओं की थी, उनकी पत्नी की थी, तो ये लग रहा है कि महिलाएं जो है शायद अपने स्वास्थ्य को लेकर उतनी सजग नहीं है या उस तरह की सुविधाएं नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ उनके साथ चुनौतियां भी बहुत रहती हैं और जैसे कि आपने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद एक खास तरह का उन्हें भोजन लेना चाहिए ताकि कमियां ना हो, और मेनोपॉज के बाद भी महिलाओं में बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस, उनके व्यवहार में बदलाव और अलग अलग तरह की समस्याएं सामने आती हैं। तो क्या ये पाचन संबंधी या फिर शरीर में दर्द महसूस होना या फिर चिड़चिड़ापन होना, व्यवहार बदल जाना महिलाओं का, इसे हम इससे जोड़कर देख सकते हैं और इसे किस तरीके से पॉजिटिवली ले, क्योंकि ये भी एक जीवन का पड़ाव ही है, ये तो आपके साथ होना ही है, तो उसे भी आप एक समस्या न समझ करके एक एक्सपीरियंस समझ कर उसे आप पार करें, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है स्पेसिफिकली मेनोपोज होने के बाद महिलाओं को जो समस्या होती है उनका प्रॉपरली हम काउंसलिंग करते हैं और उनको एग्जामिन करते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू देयर प्रकृति के हिसाब से पहचानते हैं उनको क्या समस्या है और उसके हिसाब से हम उनको दवाई इलाज बताते हैं। लेकिन साथ में हम लोग फैमिली मेंबर्स को भी बुलाते हैं, उनके हस्बैंड की काउंसलिंग भी करते हैं और जहां जरूरत होती है तो उनके कलीग जो है उनकी भी कई बार काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो समस्याएं होती है वो हर एक सिस्टम से रिलेटेड होती है, चाहे उनका पाचन तंत्र है, चाहे उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सभी सिस्टम से रिलेटेड उनको समस्याएं ऑलमोस्ट होती है। पर्सन टू पर्सन वेरी करते, किसी को कुछ समस्या होती है, किसी को कुछ, लेकिन उसका सीधा सीधा संबंध रहता है उनके 10 साल पहले लाइफस्टाइल कैसा था जी, और वो एकदम से समस्या नहीं हो जाती कि आज कुछ खाया है तो वो समस्या होगी, 10 साल तक आपने कैसा जीवन जिया उसका प्रभाव पड़ता है मेनोपॉज के बाद आपको कौन सी समस्या होगी, ये दिक्कत हो सकती है, तो उसको हम पहचानते हैं और उसके हिसाब से फिर हम उनको इलाज बताते हैं फीमेल्स को। जी बिल्कुल, और डॉक्टर वाशमी जी मैं एक चीज और भी आपसे समझना चाहूंगी कि उम्र के साथ कहते हैं आपकी नींद भी घट जाती है, उतनी अच्छे से नींद नहीं आती है, तो ये भी क्या एक मिथ है या फिर वाकई में कुछ ऐसे बदलाव हमारे शरीर में हो जाते हैं या फिर हम अपने आप को उतना स्वस्थ नहीं रख पाते हैं कि हमें अच्छी नींद प्राप्त हो? देखिए उसके कई कारण हो सकते हैं, एक तो सबसे बड़ा हो सकता है कि आप बहुत सी ऐसी दवाइयां वगैरह लेते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया आपको या कुछ और बीमारी हो गई, दवाइयां हो गई, या जैसे पुरुषों की बात करें तो एक वृद्धावस्था में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे उनको बार बार पेशाब में जाना पड़ता है, वो परेशानी हो जाती है। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो एक तो उसका आप उचित इलाज करें, दूसरे कई बार इस उम्र में आपकी चिंताएं भी होती है, क्योंकि जब आप इस उम्र में होते हैं तो लोगों को अपने बच्चों की चिंताएं, घर की चिंता, ये भी सताती रहती है, उससे भी वो जो कि उससे कोई समाधान नहीं होना, लेकिन वो शायद हमारा स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, या कई जगह जो है उनको इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती है अपना, तो कई वो समस्याएं हो जाती है। तो दूसरे तो इसीलिए बैलेंस जीवन जीना है आपको, अपना देखिए तनाव कम करना है, मानसिक तनाव कम करना है, लाइफ को इजी लेना है, स्वस्थ अच्छा भोजन करना है, रेगुलर व्यायाम करना है, अगर कोई व्यसन है तो उससे दूर रहना है, और इसी तरीके से अगर वो कुछ प्राणायाम या योगा या इस तरीके की चीजें करें जिससे मेडिटेशन वगैरह करें जिससे तनाव कम होता है, रेगुलर एक लाइफस्टाइल बनाए, सोने का समय जो है वो एक निश्चित होना चाहिए, कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, और रात के वक्त में जैसे आप कैफीन वाली चीजें होती हैं, चाहे कॉफी वगैरह, वो आप टेलीविजन ना देखें, अगर आप चाहें तो कोई मधुर संगीत,
हल्का संगीत सुन सकते हैं, उससे कई बार नींद आती है, वो एक तरीके से लोरी जैसा काम करता है, वो भी एक तरीका हो सकता है। जी, तो अगर नियमित ये सब चीजें करेंगे तो आप एक अच्छी नींद ले। जी, अब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया, तो इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी कि बढ़ती उम्र के साथ, मैं बुढ़ापा नहीं कहूंगी, बढ़ती उम्र के साथ मैं यहाँ पर टर्म यूज करूंगी, किस तरह की जांच हमें करा लेनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आपको कोई समस्या आई तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जब लिख करके देता है कि ये आपको जांचें करवानी, तब आप जांच करवाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अभी भी जो है ना एनुअल हेल्थ चेकअप का कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं आया। जी, विदेशों में ये है। मैं तो ये कहूंगा कि हर एक व्यक्ति को 45 साल के बाद तो जरूर, हालांकि हम अब कम भी बोलते हैं, अब तो 35 साल के बाद, लेकिन 45 साल के बाद एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप करना चाहिए, जिससे डॉक्टर सिर्फ बेसिक चीज, आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट रेट ठीक है, शुगर वगैरह तो नहीं है, वो चेकअप कर ले। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई भी अंतर आ रहा है, किसी तरीके की परेशानी आ रही है, तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें, उसको नेग्लेक्ट ना करें। जी, डॉक्टर कामिनी, आप क्या बताना? हाँ, इसमें मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगी कि जहाँ तक महिलाओं की बात है, वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी वो कर ले, क्योंकि 35 ईयर्स के बाद उनको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन में कि बाद में जो ओल्डर फीमेल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जितने भी लीडिंग कैंसर, उसमें सबसे पहला नंबर जो है ब्रेस्ट कैंसर है। हमारे यहाँ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमेशा वो करती रहे, अगर उनको लगता है कि कहीं गांठ फील होती है, लंप लगता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और एक और जो हम लोग बताते हैं वो पैप्समियर जांच, जो मेनोपोज के बाद फीमेल्स आती है उनको पैप्समियर टेस्ट करवाते हैं हम लोग, वो भी एक हमें आइडिया देता है कि कहीं उसको गर्भाशय से रिलेटेड कैंसर तो नहीं है। तो वो जांच भी महिलाओं को 35 साल की उम्र, 45 के बाद भी हर साल एक बार जरूर करानी चाहिए। पैप्समियर टेस्ट कराइए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराओ, अगर उसमें लगता है लंप तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि मेमोग्राफी कराओ या ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराओ, एफएनएसी कराओ, वो हम लोग फिर उसको पता। बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत कम समय रह गया है, और मैं बहुत ही संक्षेप में जाना चाहूंगी डॉक्टर साहब, कोरोना की वैक्सीन को लेकर आप क्या कहेंगे, जो कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी भ्रम है? देखिए, कोरोना की दो वैक्सीन हमारे देश में आ गई है, दोनों ही वैक्सीन जो है बहुत प्रभावी हैं और इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, और जैसी सरकार की अभी पॉलिसी है 60 साल से ऊपर के सब व्यक्तियों को दी जा रही है, और 45 से 60 वाले जिनको कुछ बीमारियां हैं, और सबको ये वैक्सीन सबको लगानी है, बिल्कुल इससे घबराने की जरूरत नहीं। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपको बताया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप विशेषज्ञों की सलाह से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। दोस्तों, पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं, और उन मेल्स के बारे में आपको बता दें, दिल्ली से मीनाक्षी शर्मा ने हमें मेल किया और पूछा है कि पिछले 15 दिनों के बीच से उन्हें घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहा है, इस तरह की शिकायत हो रही है। और जोधपुर से भी एक ईमेल आया है, उसके बारे में आपको बता दें, राखी बंसल हैं जिन्होंने जोधपुर से हमें ये ईमेल किया है। खाने के बाद इन्हें एसिडिटी की समस्या होती है, जलन महसूस होती है, इस तरह की समस्या उन्हें पेश आती है। दोस्तों, अगले हफ्ते होली है, और इस त्यौहार के मौके पर आप ढेर सारे पकवान भी खाएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन इस मस्ती में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो अगले सप्ताह होली से 2 दिन पूर्व आपसे मुलाकात होगी, जिसमें गैस्ट्रो और पाचन से संबंधित आपको बहुत सारी बातें समझाएंगे। डॉक्टर गोविंद मलेरिया जी हमारे साथ रहेंगे, और वो बताएंगे किस तरीके से आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और इस त्योहार में भी गोविंद मलेरिया जी हमारे साथ रहेंगे, और जो कि इस बारे में जानकारी देंगे कि कैसे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहे, और होली के इस त्योहार में भी आप अपने खान पान को कैसे बेहतर रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द हमारे साथ विशेषज्ञ रहेंगे, जो कि आपकी इन सभी समस्याओं के जवाब देंगे, और इसकी सूचना हम आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से दे देंगे। और इसके बारे में आपको जानकारी हमने दे भी दी है कि होली से 2 दिन पहले आपकी मुलाकात होगी। इस बीच अगर आप कोई जानकारी हमसे चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com, और इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज के संग में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, और हाँ, दूरदर्शन किसान देखते रहें। नमस्कार। Oh,